Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very interesting topic, you can say, Core Curriculum and Expanded Core Curriculum. So let's start. आपसे सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी, बस एक कोर करिकुलम रह गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब भी हम लोग एनपी 1986 की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कोर करिकुलम फॉलो करना है, कोर करिकुलम बार बार बोलते हैं. क्या है कोर करिकुलम? नाम से इतना समझ में आता है कि कुछ है, कुछ निश्चित सा, कुछ जरूरी सा, जिसके इर्द गिर्द हमको करिकुलम की रचना करनी है. लेकिन एक्चुअली कोर करिकुलम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मेरिट डिमेरिट है, क्या हिंदुस्तान में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में क्या बात की है कोर करिकुलम में, ये सब हम कवर करेंगे. तो द कोर करिकुलम वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड एज द मेन करिकुलम यूज बाई कोलम्बिया यूनिवर्सिटीज कोलम्बिया कॉलेज. कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के कोलम्बिया कॉलेज में मेन करिकुलम की तरह इसका विकास किया गया. इट बिगेन इन 1919, यानी कि लगभग 100 साल पुराना है. विद कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इट बिकेम द फ्रेमवर्क फॉर मैनी सिमिलर एजुकेशनल मॉडल्स थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. एंड लेटर इन इट्स हिस्ट्री, स्पेशली इन द 1990s, इट बिकेम ए हेविली कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ लर्निंग. यानी कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कोलंबिया कॉलेज से शुरू हुआ और अब एक कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द वर्ल्ड माना जाता है. तो क्या है कोर करिकुलम? अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो एक कोर करिकुलम इज ए करिकुलम, एक्चुअली ऑब्वियसली ये एक करिकुलम है या कोर्स ऑफ स्टडी है, दैट इज डीम्ड सेंट्रल, जो केंद्र में है, केंद्र बिंदु है, एंड यूजुअली मेड मैंडेटरी. और ये हमको ऑप्शनल नहीं है, मतलब करना ही करना है, आपके लिए कंपल्सरी है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल और स्कूल सिस्टम. यानी कि अगर हम विद्यालयी निकाय या विद्यालय की बात करेंगे तो उसके विद्यार्थियों के लिए ये मैंडेटरी होगा. इन ए कोर करिकुलम में क्या होता है, अ प्री डिटरमाइंड बॉडी, यानी कि पहले से पूर्व निर्धारित, हम पहले से निर्धारित करके रखते हैं क्या कि कौन से कौशल, कौन सा ज्ञान और कौन सी आपको योग्यताएं सिखाई जाएंगी. इन ए कोर करिकुलम अ प्री डिटरमाइंड बॉडी ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज आर टॉट टू ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को. बिगन इन दी अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century, the core curriculum is one of the founding experiments in liberal higher education in the United States, and it remains vibrant as it enters its 10th decade throughout the world, not only academically rigorous but also personally transformative for students. कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये शुरू हुआ और core curriculum founding experiments रहा liberal higher education, मतलब कि हम लिबरल रहेंगे हायर एजुकेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ और ये वाइब्रेंट है. आप अपने 10वें दशक में भी आके न केवल ये एकेडमिकली रिग्रस होता है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया को रिग्रस बनाता है, बल्कि जो विद्यार्थी हैं उनके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. द हैबिट्स ऑफ माइंड डिवेलप्ड इन द कोर कल्टिवेट अ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी दैट स्टूडेंट्स एम्प्लॉय लॉन्ग आफ्टर कॉलेज इन द परस्यूट एंड द फुलफिलमेंट ऑफ मीनिंगफुल लाइफ. वो कह रहे हैं कि अगर कोर करिकुलम से विद्यार्थियों की पढ़ाई होती है तो उनमें ऐसी आदतें डेवलप होती हैं, उनका दिमाग इस तरह विकसित हो जाता है कि एक तरीके से एक क्रिटिकल और क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उनके अंदर विकसित हो जाती है, जो कॉलेज छोड़ने के बाद भी जिंदगी में भी उनके फुलफिलमेंट ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, मतलब अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए भी मदद करती है. और क्या है, There are three aspects of the rationale underlying the core curriculum. वे कह रहे हैं कि core curriculum के पीछे तीन rationale हैं या तीन तार्किकताएं हैं. कौन कौन सी? DV's philosophy of experimentalism is the basis for the core curriculum. देखिए, आप DV का कितना प्रभुत्व है, और खासतौर से अमेरिका में. देखिए, जितने concept अमेरिका से निकल के आते हैं, लगभग mostly ज्यादातर डीवी की फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं. तो यहाँ भी डीवी साहब है, डीवीज फिलॉसफी ऑफ एक्सपेरिमेंटलिज्म, जो डीवी ने कहा करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, वो कह रहे हैं वो कोर करिकुलम के पीछे का आधार है. डीवी व्यूड लर्निंग एज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग. डीवी ने देखा था, महसूस किया कि जो कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि अनुभवों का जो सतत पुनर्गठन होता है, वही, उसी से हम सीखते हैं, वही अधिगम का स्रोत है. और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यानी कि समस्या समाधान का जो कौशल है, वो अधिगम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
Generally, the core curriculum consists of knowledge and skills related to academic subjects. Generally, जो core curriculum होता है उसमें वो ज्ञान और कौशल आपको सिखाए जाते हैं जो शैक्षणिक विषयों से संबंधित है. Mastery of the core curriculum is what both parents and teachers stress as essential for academic success in school and later in life. अगर हम कोर करिकुलम की मास्टरी कर लें, यही चाहते हैं हमसे हमारे शिक्षक भी चाहते हैं, हमारे अभिभावक भी चाहते हैं, जिससे विद्यार्थी को विद्यालय में एकेडमिक सक्सेस मिलने के लिए जरूरी है और जिंदगी में बाद में भी ये काम आता है. दिस कोर करिकुलम बिकम्स द फाउंडेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल लर्निंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू हाई स्कूल. यानी कि केजी की पढ़ाई से लेकर हाई स्कूल की पढ़ाई तक आपको ये फाउंडेशन के रूप में काम देता है. द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कोर करिकुलम आर द रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ स्टडी एंड द कॉमन एसेंशियल लर्निंग. ये कह रहे हैं कि ये दो मुख्य घटक हैं कोर करिकुलम के, एक रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ स्टडी क्या क्या आपको पढ़ना है, और कॉमन एसेंशियल लर्निंग क्या मिनिमम मतलब कि सामान्य आवश्यक अधिगम मिलेगा. तो 7 रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ स्टडी हैं और 6 कैटेगरीज ऑफ कॉमन एसेंशियल लर्निंग है. देखते हैं, तो जो रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ स्टडी है यानी कि कोर करिकुलम में लैंग्वेज होगी, भाषा आपको पढ़ाई जाएगी, गणित पढ़ाई जाएगी, विज्ञान पढ़ाया जाएगा, सामाजिक अध्ययन होगा, हेल्थ एजुकेशन होगी, कला की शिक्षा दी जाएगी और फिजिकल एजुकेशन या पीटी होगा भी होगा. और कॉमन एसेंशियल लर्निंग मतलब क्या क्या कॉमन मतलब एसेंशियल मतलब आवश्यक रूप से आपको सीखना है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण करना, न्यूमेरेसी, आपको आंकिक गणनाएं करनी आ जानी चाहिए, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी के बिना आजकल काम नहीं चलेगा वो भी सीखना जरूरी है, आपका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी होना चाहिए और आप स्वतः स्वतंत्र रूप से सीख सकें, ये भी कोर करिकुलम में इतनी मादा होना चाहिए कि आपको सिखा सके. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसकी विशेषताएं हैं. तो ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है यानी कि प्रॉब्लम को केंद्र में मानकर बनाया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे को सिखानी है. लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. क्यों? क्योंकि ये जीवी के एक्सपेरिमेंटलिज्म पे बेस्ड है. Students have been provided ample opportunities for their overall development. विद्यार्थियों को बहुत से ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिनसे उनका पूरा विकास हो सके. Students are also involved in the planning and teaching learning process. यहाँ विद्यार्थियों को भी involve किया जाता है नियोजन में, पाठ की नियोजन में, पाठ के संप्रेषण के नियोजन में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में. Opportunities for integrating the knowledge of different concepts. इसमें क्या होता है कि जो हम concept को जो interdisciplinary, multidisciplinary और cross-disciplinary की बात हो रही है, जो integration of curriculum की बात हो रही है, core curriculum उसको follow करता है. इसमें वो अवसर दिए जाते हैं कि हम different concepts को integrate करके different discipline के हिसाब से पढ़ाएं. Emphasis is laid on the total growth of the pupils. विद्यार्थियों के संपूर्ण वृद्धि पर इसमें बल है और सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल्स आर डेवलप्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. मतलब कि सामाजिक, आपका शारीरिक, आपका बौद्धिक, सांवेगिक और आध्यात्मिक एस्पेक्ट्स जो एस्पेक्ट से आपके डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा. कोर करिकुलम इज फ्लेक्सिबल यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश है. इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग. और डीवी एंड हचिंस ने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, जैसे कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस मस्ट एंगेज द स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड. Contents in the curriculum are integrated. Teacher acts as integrator. Core curriculum learning is not restricted to the walls of classroom. यानी कि कक्षा कक्ष की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है. आपको excursion, tour इन सब से भी सिखाया जाएगा. ठीक है. अच्छा, इंडिया में सबसे पहले 1988 में जो NCF आ रहा है उसने कोर करिकुलम की बात की और उसने कहा, देखिए कोर करिकुलम का क्या मतलब. NCF ने आपको कोर करिकुलम दे दिया, फिर उससे कह दिया गया कि चूंकि देश में इतनी विविधता है तो आप लोकल लेवल पे इनको ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से करिकुलम बना लीजिए, पर कोर करिकुलम यही रहेगा. मतलब कि इसी के इर्द गिर्द रहना है आपको, मैंडेटरी आपको बच्चे को ये पढ़ाना है. तो जैसे कि NCF 1988 ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल रहना चाहिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की का इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, हमारे संविधान में क्या कहा गया है, कंटेंट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी यानी कि राष्ट्रीय पहचान के विकास के तत्व उसमें होने चाहिए, सांस्कृतिक हेरिटेज की बात होनी चाहिए उसमें, प्रजातंत्र, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बात होनी चाहिए, जेंडर इक्विटी, लैंगिक समता की बात होनी चाहिए, इमोशनल कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए, सोशल बैरियर्स को हटाने की बात होनी चाहिए. अच्छा, चूंकि 1988 में जब ये बना है तो पॉपुलेशन पे बहुत काम हो रहा था उस वक्त, मतलब ये सब नियम आ रहे थे कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस तरह से करके, तो इसलिए स्मॉल फैमिली नॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ए साइंटिफिक अप्रोच को भी कॉमन कोर एलिमेंट में लिया गया है. अच्छा, एक मिनट. अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं, जो ईसीसी का एक बीच में स्लाइड मिस हो गई, जो ईसीसी है वो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम है और उसमें ये कहा गया है कि जो डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी में भी स्पेशली जो विजिबली डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, स्लाइटली ब्लाइंड है, पार्शियली ब्लाइंड है, उसके लिए जो कोर करिकुलम को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे ना, तो वो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम हो जाएगा। तो उसमें कहा गया कि एरियाज कौन कौन से लिए जाएंगे, तो ये आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में सिर्फ कोर करिकुलम है, लेकिन आप जानिए एक्सपेंडेड कोर करिकुलम ही क्या होता है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि ब्रेल लिपि, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस लिया जाएगा, करियर एजुकेशन की बात होगी, कंपेंसेटरी स्किल्स यानी कि हम देखने में बाधित हैं तो कहीं और हम कंपेंसेट कर सकते हैं स्किल को, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स की अगर आप स्वतंत्र रूप से कैसे जिए उसके लिए स्किल, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, रिक्रिएशन एंड लेजर मतलब आप कैसे आनंदित हों, आप रिक्रिएशन के लिए क्या करें, खाली समय में क्या करें, सेंसरी एफिकेसी, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है। थोड़ा गला गड़बड़ाया। फिर मेरिट्स ऑफ कोर करिकुलम, इसके क्या लाभ हैं, तो ये सोशल नीड्स ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ब्रॉड फील्ड है इसका, हर सब्जेक्ट को ड्यू वेटेज देने की कोशिश है, सब्जेक्ट को डेली लाइफ से जोड़ा गया है, बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाते हैं हम, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटलिज्म पे बेस्ड है और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग के बजाय टीचर्स न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके डीमेरिट्स की प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड स्किलफुल टीचर्स चाहिए, है ना, मतलब स्किल्ड टीचर ही पढ़ा सकता है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, वर्कशॉप्स एंड लाइब्रेरी चाहिए बिकॉज हमको एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं, इट क्रिएट्स द डिस्टिंक्शन अमंग द सब्जेक्ट्स यानी कि कुछ को ज़्यादा वेटेज और कुछ को कम वेटेज दिया गया है। ये देखिए डीमेरिट में ये कहा गया, मेरिट में कहा गया कि इक्वल वेटेज है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वो जो सात लैंग्वेज और मैथ और साइंस वो सब था उसको ज़्यादा वेटेज है क्योंकि वो कोर करिकुलम का हिस्सा है, जो कोर करिकुलम का हिस्सा नहीं उसको कंपेरेटिवली कम वेटेज होगा। इट इग्नोर्स द इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमंग द सब्जेक्ट, देखिए हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि हर बच्चा अलग है, उसकी पसंद नापसंद अलग है, फिर हम कह रहे हैं कि सबको ये पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करता है, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट सब्जेक्ट अंडर स्कूल एजुकेशन एटलीस्ट, है ना। तो जब भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अपना फ्रेमवर्क देता है तो वो कोर करिकुलम के कुछ हिस्से देता है, कोर जैसे हम कहते हैं ना फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट ऐसे करके बोलते हैं, मतलब कि एकदम दिल से, है ना, तो कोर मतलब एकदम मेन आप ऐसे समझ सकते हैं, मुख्य समझ सकते हैं कि बिल्कुल मुख्य ये हिस्से हैं और बाकी सब कुछ थोड़ी बहुत फ्लेक्सीबिलिटी के साथ आपको इसी के इर्द गिर्द बनाना है पाठ्यक्रम में, ठीक है। So in this way, I have completed this very topic for all of you. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I've done from my side.